बाकी डिटेल्स बताएंगे आपको कि हो क्या रहा है, लेकिन ये है पूरी स्टूडेंट काउंसिल की टीम। फाइनली अब हम सारे मेंबर के साथ, ये पूरी स्टूडेंट काउंसिल की टीम है। हर बंदा आज अपना अपना टैलेंट दिखाएगा, कौन कितना बोल सकता है, कौन कितना कर रहा है, लेकिन डिटेल्स आपको बताएंगे। पहले जा रहे हैं कुछ खाने, भूख लगी है बहुत सारा। डिसेबल बच्चों के लिए चैरिटी हुई थी और हमारी ये पूरी टीम गई थी, वहाँ से वापसी पे हम लोग खाने के लिए रुके और आगे जो भी हुआ वो वहीं पे हुआ। अच्छा, ये रोहेल भाई है और इनकी आवाज में बहुत ज्यादा दर्द है। अब ये रीजन बताएंगे कि दर्द क्यों है। यार ये तो अब मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ, क्योंकि अभी हम कुछ खाने लगे हैं, वो खा लें और फिर वो दर्द के बारे में मैं बताता हूँ। ओके, मतलब वाचिंग अस एंड ऑल ही वांट्स टू से इसके दर्द का खाने के बाद बताएंगे। वकील माज और वकासी तीनों सबसे आगे जा रहे हैं, तो इन सब को एशिया मॉल से बाहर आ चुके हैं और इन सब को इनको सबसे ज्यादा भूख लगी, ये बोल हो गया। वकील, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो वकील भाई का मूड बहुत अच्छा है और इनसे पूछते हैं कि ये क्यों इतने माशाल्लाह मुस्कुरा रहे, मूड क्यों इतना अच्छा है। टीचर तो हमारे भी है, हम भी साथ बैठे होते, हम तो इतना खुश नहीं थे, आज आप क्यों खुश है। बात सुने, असल में वकील भाई को जो है, वकील खान को किसी ने खराब मूड में कभी देखा है? मेरा मूड अल्हम्दुलिल्लाह एनी टाइम। दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। कुछ लोग बहुत खास होते हैं, कुछ ख्वाहिशें बहुत खास होती हैं, यहाँ पे हम काटेंगे। बहुत एंजॉय किया, बहुत रहे हैं, सोते सोते एंजॉय किया। मैम कक अब्दुल्ला क्या हाल है? मैम तो जगह जगह नहीं डिसाइड हो पा रही कि किधर बैठेंगे। ही इज हिलाल, फर्स्ट सेमेस्टर के हेड। आई थिंक सो वी फाइनली फाउंड अ प्लेस। अब हम एशिया मॉल पहुंच चुके हैं और सारी स्टूडेंट काउंसिल यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ एक हमारी बहुत ही एक टैलेंटेड और बहुत ही तो अभी हम आपको कुछ और चीजें दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मुझे पता नहीं था ये लोग ऑर्डर देने आगे हैं, ये है ऑर्डर दे रहे हैं वकील मैम विकास। और बहुत मजेदार पिज्जा यहाँ का ये ना मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एक्टिविटीज क्लियर कराई जा रही है। ये लोग आए फ्रेशर्स, ये दोनों, इन दोनों की रैगिंग थोड़ी सी होनी चाहिए। अगर रैगिंग की बात आती है, रैगिंग की बात आती है तो सबसे सीनियर यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, फिर हक बनता है मैं प्रेसिडेंट से स्टार्ट करूँ। I'm with you. शुरू होनी चाहिए माल भाई की, आज रैगिंग होनी चाहिए। आज आप लोगों ने माल भाई की सुपारी तो नहीं ली, आज ही तो हाथ लगे हैं। बता दूं मैं, ये अच्छर की रैगिंग हो रही है, ये रैगिंग हो रही है मेरी। हमको रैगिंग करवानी है तो फिर हमारी बात होगी। खड़े हो जाओ, फंसा हां, लड़की का कुछ खा गया है। अरे वो लड़की ये वहां से खा गया जो दर्शन में, जरा ऐसा लेना श्री। भाई 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 इस तरह का एंड जैसे कैसे दिया आपको है? नहीं दिया अच्छा। एंड फाइनली पिज्जा आ गया है और पिज्जा खाने का इंतजार मुझे इसलिए था कि ये भाई अपने टूटे दिल का हाल बताएंगे, बताओगे ना? हाँ जी। और यहाँ भी इनमें सैप हुआ है, ये वैसे किया किसने, इसका बंदा तो पता चले। सारा इसकी वजह से हुआ है, सच बता दो रोहित भाई सच। अच्छा अब तो पिज्जा भी खा लिया, टूटे दिल का राज बताओ। शबीर भाई यार मेरी कोक शुगर फ्री थी, एक पीस मिला वो भी इतना स्पाइसी, बैठा हुआ क्या सोने भी नहीं दिया, खाने भी नहीं दिया आज के दिन से। अच्छा तो रोहेल भाई ने फाइनली पेप्सी भी पी ली है और फिर आंख में बहुत सी पता नहीं एक पेप्सी पी ली और एक गिरा दिया, एक गिरा भी दिया। वैसे गिराने वाला बंदा पता चलना चाहिए, किसी ने किसी ने वीडियो बनाई होगी। रोहेल भाई, रोहेल भाई आवाज में इतना दर्द क्यों हुआ? आंखों में पानी भी है और आंखों में आंसू है,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है और आप भी खुश रहे। अच्छा दिल को लेके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी। महाज भाई सबसे पहले मैनेस का मुजाहरा कर रहे हैं। ये आपने जब भी कहीं बाहर आना है स्पेशली कहीं पे भी बिश्केक में आप जाते हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप टेबल पे चीज़ को खाएं और उसको बाद में जो भी उसका वेस्ट हो उसको डस्टबिन में जरूर फेंकिए। थैंक यू सो मच। बी लाइक देम, बी गुड बॉयज। अच्छा ये सब ऐसे एक्ट कर रहे थे? शबीब भाई कैसे एक्ट कर रहे थे? अभी देखा इन्होंने कैमरा। ये पूरा मशरूत का किधर गया? किधर गया मशरूत का? ये पूरा मशरूत का हमारे लिए वेट कर रहा था, हमने इसको वेट कराया। सारे लोग बैठे हुए थे, लेट कमर किनकी बात? हम तो बहुत बुरे। तो लड़की मेरे पास आई कहती है यार वो ना मेरे प्लीज मैम से बात करो एक्टिविटी लेने मेरी। तो ऐसे यार यार बोली जा रही है। मैंने कहा अच्छा बात करता हूँ। मैं क्या बात की मैम से? मैंने कहा मैम प्लीज बाबू भैया से सीधा बाबू समझ हाथ क्यों पकड़ा हुआ था। अच्छा बोलने दो ठीक है। मैं गया मैम से, हमने एक्टिविटी ली उससे ठीक है। हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी। ओह मतलब यह होंगे कि तकलीफा नाल डील करना होंगे। ओके सो दिस वाज द मोस्ट लाइक बहुत ही कैजुअल व्लॉग था, बहुत ही सिंपल सा था। और ये देख हमारे पास पोजर्स देखे, मतलब बात करने ही नहीं दे रहे आगे से, कोई विक्ट्री साइन बना रहे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। खैर गाड़ी के अंदर इन्होंने वीडियो कंप्लीट करने नहीं दी, बट स्टिल वी एंजॉयड अ लॉट एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, क्योंकि आगे भी इस तरह की वीडियोज आती रहेंगी। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड विद लव फ्रॉम यासिर। बाय।